तो मैं हीरा से मजाक करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों की लेंथ शोल्डर लेंथ करने वाली हूँ लॉन्ग हेयर को, वो वॉशरूम में बैठी हुई है। लेके जाता है मम्मा को फोन लगाने गई थी मैं वॉशरूम में बैठ के, साइकिल पे मैं बैठ चुकी तो आपस में लड़ने लग गए। हाँ मैं हूँ हीरा, हम दोनों दोस्त हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। स्कूल मॉर्निंग हो चुकी है और ये देखे मेरे सूट का था, ये उतर गया है बिकॉज ये वजन बहुत है। तो अब मैं नीला को लेने जा रही हूँ तो उसको लेके आती हूँ। अजी जाओ तो राजी आओ, अल्लाह राजी रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, कारोबार चला, बस राजी राज खुशियाँ चाहू अल्लाह देवे, कभी गुमरा। टीचर आगे बैठे हुए जे, नीला आ गई जे, अब हम जाएंगे ऊपर जे, मैं भी रेडी स्टडी गो। खालो खालो गोली फटाफट। धूप कितनी अच्छी लगी आज। यस अब हम छत पे जाएंगे, धूप पानी दे रही हूँ। सो गाइस, दिन का शुरुआत हो चुका है, हम बहुत बच्चे हैं। मेरा अपनी मम्मी को पानी दे रही है, इसे देखें, मेरा अपनी मम्मी को पानी चाय डालेंगे। मैं करने लगी हूँ हीरा के साथ मजाक, हीरा वॉशरूम में है और ये बाल इतने लेंथ के हैं, मैं कहने लगी हूँ शॉर्ट करने लगी हूँ, तो देखते हैं हीरा का रिएक्शन। तो मैं हीरा से मजाक करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों की लेंथ शोल्डर लेंथ करने वाली हूँ लॉन्ग हेयर को, वो वॉशरूम में बैठी हुई है। आई होप कि वो मेरी आवाज़ ना सुन रही हो। उफ जान, लेंथ उतर गई। क्यों ना, प्लीज यार, थोड़े थोड़े से तारे बाहर आकर देख रही। वॉशरूम में मोबाइल खोलने के जाता है, मम्मा को फोन लगाने गई थी मैं वॉशरूम में बैठ के, मैं ला भी दिता थे फोन। रूफ पे आए हैं तो ये दो बिल्लियां आगो चुके हैं और आते ही नीला को दौड़ा है, कटिंग पड़ गया है, अब इसकी कटिंग करने लगे हैं हेयर्स की। तो कटिंग करने के बहुत मिलते हैं, पुष्पा में बैठे हम आराम फरमा रहे हैं और जनाब कटिंग कर रहे हैं। ये देखें इसने मुझे कहा, मैं वॉशरूम में बैठी हुई कि मैंने इतने ज्यादा लेंथ काट ली है और इसकी वजह से मेरा वॉशरूम रुक गया और मैं बाहर निकल आई भाग के कि पागल है ये, क्यों काट रही है इतनी मेहनत से, तो बाल फटते हैं। ऐसा प्रैंक था भाई, बड़ा बकवास। सो फिर गाइस आज देखते हैं क्या क्या काम शाम निकलते हैं, तो अब ऊपर जाना है, थोड़ा सा ऊपर भी काम है, तो लेट्स सी मेरा डेला देखें। गाइस अब मैं जा रही हूँ जरा डाकखाने, थोड़ा सा काम था, चीज़ें रिसाल करवानी है, तो ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री मंगवाने के लिए वो करवाने जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आते हैं मिलते हैं डाकखाने से, हो के देखते हैं उधर रश ना हो, शायद हो भी अब पजारो निकालते हैं जाके। वो फाइनली पजारो निकाल लिए, अब हम जा रहे हैं उधर, खुले वाला आ रहा है, हम पहुँच चुके हैं इधर, रश के इंतहा देख सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस का काम हो चुका है फिनिश। अब मैं जा रही हूँ आगे तो लेने बाद वाले नान, फिर जाना है उसके बाद घर। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था और बहुत अजीब से लोग भी थे। तो गाइस बताने का मकसद ये है कि एहतराम जो है ना ख़त्म हो चुका है लोगों में, तो एहतराम तो रहा ही नहीं है ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। आपस में एक अंकल ने कहा कि इनको आप करने दे, इनको जल्दी फ्री होने दे, तो आपस में लड़ने लग गए मर्द हजरा। साइकिल पे मैं बैठ चुकी तो आपस में लड़ने लग गए। हाँ ये आई हैं, मैं तो आई हुई थी, मुझे भी ऑलमोस्ट टाइम हुआ है उधर खड़े होके। बट कुछ लोग होते हैं जो बस अपनी करते हैं, तो खैर वो बेचारे बुजुर्ग अंकल पे पीछे पड़ गए कि हाँ आप क्यों कह रहे हैं, तो ये वो ऐसे करके ना। खैर हो गया अब काम, फड़िए से पहुँचते हैं घर। साइकिलिंग पे मैं हूँ तो मिलती हूँ घर। ठीक आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है इधर, अब ट्रैफिक में फंस गई हूँ मैं। तीन आलू वाले नान दे दें, दो लैदा डाल एक लैदा। गाइस दो नान हैं मेरे घर जाएंगे, दो जाएंगे पार्लर पे, हम खाएंगे नानम नान और मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। आप देख सकते हैं तो काफ़ी टाइम लग गया, मगरब हो गई है, असर टाइम आई थी, असर की नमाज भी रह गई मेरी, चलो कज़ा में पढ़ेंगे पार्लर पे। आपको ले लिया दिखाती हूँ गाइस, ये देखे निकी निकी ले लिया। ओपन कर रहे हैं लोग, क्या हाल आया सारे पकड़ो ना। आया ना आया वो कह रही उतारो सो गाइस अब मैं जा रही हूँ, एक आयरन है उसको ठीक करवाना है, ये आयरन देने जा रही हूँ, देखते हैं ठीक होते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं फिर शॉप पे जाके, क्या कहते हैं मूड चेक करते हैं जाके। अब हम करो ठीक हो गई यार, मास्क इसलिए लगाया हुआ है फोक बहुत ज़्यादा हो गई है। सो हम पहुँचने लगे हैं आयरन वाली शॉप पे, तो लेट्स सी देखते हैं ठीक होती है कि नहीं। नीला की मामा ने दी थी, कह रहे थे ख़राब हो गई थी। तो जी आयरन मैंने चेक करवा ली है, वो कह रहे चल तो रही है, अगर हीट नहीं करी तो आपको भोना बाजार जाना पड़ेगा। अब वहाँ जाके चेक करेंगे, नीला की मामा कह रही थी चलती है हीट नहीं आती, तो देखते हैं हम क्या इशू निकलता है उनके। हमारे पास आयरन नहीं थी तो आंटी ने कहा था चलें आप तब तक ये आयरन यूज़ कर ले, फिर हम जब इंशाल्लाह ताला पेमेंट होगी देंगे। अब मेरी बहुत ज़्यादा बैटरी लो हो चुकी है और मेरी बांध ये देखिए क्या कर रही है, ओए हटदा नहीं, तो फिर आ गया की लैन आया सुलेमान नकली नोट तो भर गया तू बोल, उन्हें तेन कह चीजियां मिली हैं। आहो चलो मोटे कपड़े पवाओ। दाने वाला मिल गया था मुझे, तो दाने लिए हैं छलड़ी के दाने लिए हैं, और देखते नीला जागड़ी के सो रही है। अरे मम्मा थोड़ा चढ़ गया मैनू नीले, ओए आयरन चल रही है, वो कह रहा है चेक करें जाके अगर कपड़े नहीं इस्त्री होते तो बोना बाजार से फिर ठीक होनी है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, एक कॉपी दे एक नंबर दे। मारे तेरे एक कॉपी दे एक नंबर दे ते ना, मैं अम्मी भी हसन आ गई बाजी भी, मैं कहा यार साइकिल में कर ले फिर मैं दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। हां दोनों लोग लड़ा
बनाया करो। सो गाइस अनिला को घर छोड़ दिया, मैं घर जा रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। तो मैं और सुलेमान आए हैं इधर फिलिप्स लेने की शॉप से। सर्दी का आप जोर देख सकते हैं, इतनी ज्यादा सर्दी चल रही है अभी। मैं जा रही हूँ कुछ खाने को लेने, मिलना है लेके आके। बहुत ज्यादा फॉग है, रात के 12 बजने वाले हैं और बंदे को बंदा नजर नहीं आ रहा। मैं लेने आई हूँ अपने खाने के लिए कुछ इस टाइम, मम्मा मेरी घर रहे हैं। तो मैं आई हूँ इधर से शवारमा लेने। सो आज मेरी सिस्टर इधर ही थी, फॉग बहुत ज़्यादा थी और हमने मंगवाया पिज़्ज़ा और की रात को पिज़्ज़ा पार्टी। आज ये गई था, अभी खा ले हमारे भी लोग, करे लाइक शेयर सब्सक्राइब। पिज़्ज़ा खा लो सुलेमान, निकालो। मेरे दिल की ये दुआ है।